नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन? दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों कहीं ना कहीं आपने जब सफ़र करते हुए रास्ते में, बसों में, ट्रेनों में एक वाक्य जरूर सुना या देखा होगा कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अच्छा, आपने जीवन में एक बात जरूर महसूस की होगी कि सिर्फ एक गलती आपकी सभी अच्छाइयों पर पानी फेर देती है। अच्छा, इस बात को और अच्छे से समझना है तो ये कहानी बिल्कुल सुनिएगा दोस्तों, और मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि ये कहानी ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि दोस्तों इस कहानी से आप बहुत कुछ पा सकते हैं। दोस्तों ये कहानी है एक इंसान की जिसके पास एक बंदर रहता है। अच्छा, वो बंदर काफ़ी समझदार होता है और वो इंसान का काफ़ी काम करता है। मसलन वो बंदर अपने मालिक के लिए एक थैला लेकर उस एक दुकानदार के पास चले जाता है। उस थैले में कुछ पैसे होते हैं और एक सामान की लिस्ट वो उस दुकानदार को पकड़ा देता है। दुकानदार जब थैला खोल के देखता है तो उसमें पैसे निकाल के वो लिस्ट के बराबर सामान उस थैले में डाल देता है और बचे हुए पैसे उस थैले में डाल के बंदर को रिटर्न कर देता है। बंदर ये थैला लेके वापस चला जाता है। अच्छा, दुकानदार जब ये देखता है कि ये बंदर काफ़ी समझदार है, ये अपने मालिक के लिए इतना काम कर रहा है, तो क्यों ना इसके मालिक से जरूर मिला जाए, क्योंकि एक उसने एक बंदर को इतना अच्छा ट्रेन किया है तो उसका मालिक कितना समझदार होगा। तो वो आदमी उस बंदर का पीछा करने लगता है। अब बंदर क्या करता है कि वो बस स्टॉप में जाता है और एक बस पर चढ़ जाता है और कंडक्टर के पास जाकर उसको एक लिफाफा दे देता है। उस लिफाफे में भी थोड़ा सा पैसा और एक पता होता है और कंडक्टर उस पते से समझ जाता है कि बंदर को किस स्टॉप पर उतरना है। अब कंडक्टर उस ही स्टॉप पर बस को रोक देता है और बंदर उस स्टॉप पर उतर जाता है और ठीक उसी बंदर का पीछा करते हुए दुकानदार भी पहुंच जाता है। अब बंदर जैसे ही घर जाता है अपने मालिक के और दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाता है, मालिक जैसे दरवाज़ा खोलता है तो मालिक उस बंदर की पिटाई कर देता है बहुत जम के। तो वो जो दुकानदार है उसको देख के बहुत बुरा लगता है, तो वो जाता है उसके पास और बोलता है कि भाई साहब आपने इसको क्यों मारा, ये तो इतना समझदार है, ये आपके लिए कितना काम किया इसने और आप इसको मार रहे हो। तो वो मालिक दुकानदार से बोलता है कि इसने मेरी नींद ख़राब कर दी है, मैं सो रहा था और इसने दरवाज़ा इतना ज़ोर से खटखटाया कि मेरी नींद ख़राब हो गई, ये चाहता तो ये पहले से चाबी लेके जाता और जब ये आता तो चाबी खोल के बकायदा घर पर अंदर आ जाता और मेरी नींद भी ख़राब नहीं होती। दोस्तों इस स्टोरी से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में लोगों की उम्मीदें आपसे कभी ख़त्म ही नहीं होंगी। आप कितना भी अच्छा कर लो, कहीं ना कहीं एक बुराई, सिर्फ एक बुराई लोगों को एक मौका दे देती है कि आपकी सारी अच्छाइयों पर पानी फेर दे और वो आपके बारे में इतना बुरा बुरा बोलना चालू कर देंगे कि मान के चलिए आप कुछ है ही नहीं, समझे दोस्तों। इसलिए मैंने आपसे बोला कि लोगों की बातों पर अगर आप आएंगे और लोगों की बात अगर आप सुनते रहेंगे तो आप जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएंगे दोस्तों। दोस्तों अगर आपके बारे में कभी ना कहीं कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोल रहा है तो ये बात मान के चलिए ये बात बिल्कुल गांठ रख लीजिए कि अगर आप वो नहीं बोलता तो कोई और बोलता, और कोई और भी नहीं बोलता, अगर आपको कोई भी नहीं जानता तो वो आपके पड़ोसी बोलता, आपके रिश्तेदार बोलता, आपका दोस्त बोलता, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपके पीछे आपकी बात जरूर करता। हर एक से ये बात कहता हूँ कि आप सबको खुश नहीं रख सकते हैं, कोई ना कोई कहीं ना कहीं एक ऐसी वो बुराइयां आप में ढूंढ लेगा जो आपकी सारी अच्छाइयों पर पानी फेर दे दोस्तों। तो क्या मतलब ऐसे लोगों के लिए वर्क करना, तो इसलिए है कि अपने काम पर ध्यान देते जाओ, ऐसे लोगों को निगलेक्ट कर दो, इग्नोर कर दो और इनको जो बोलना है दोस्तों बोलने दो, क्योंकि अगर आप अपने काम पर ध्यान देंगे तो आप अपने आप को इंप्रूवमेंट करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपने भी इस वीडियो को देखकर सिर्फ अपने काम पर ध्यान दिया होगा और उसके बाद अपने काम पर ही ध्यान देंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और बताइएगा कि किस तरह की कहानी आप सुनना चाहते हैं। और मैंने बताया था कि अगर आपके पास कोई कहानी है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, ईमेल आईडी में नीचे लिंक में दे दूंगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो पर, थैंक यू वेरी मच। Shuttlecom, Advanced Mobile Recording Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free recording Android apps. Link in description.